श्रीमद् भागवत गीता सार मद् भागवत की 18 बातें। जो भी मनुष्य अपने जीवन में अपना लेता है वह समस्त दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, लालच से, सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी 18 बातें हैं जो श्री कृष्ण ने पूरी मनुष्य जाति के लिए अपने मुखारविंद से कही हैं। पहली बात, आनंद अपने भीतर ही निवास करता है, किंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में तथा बाह्य सुखों में खोज रहा है। दूसरी बात, भगवान का वंदन केवल शरीर से ही नहीं मन से करो। वंदन भगवान को प्रेम बंधन में बांधता है। तीसरी बात, वासना ही पुनर्जन्म का कारण होती है। चौथी बात, इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार आता है। पांचवी बात, संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते। छठी बात, वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है हृदय परिवर्तन की। सातवीं बात, जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। आठवीं बात, भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। नौवीं बात, जुआ, मदिरा पान, पर स्त्री संग, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। दसवीं बात, अधिकारी शिष्य को अवश्य सद्गुरु मिलता है। ग्यारहवीं बात, मन को बार बार समझाओ कि ईश्वर के सिवाय मेरा कोई नहीं है। विचार करो कि मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूं। बारहवीं बात, भोग में अक्षणिक सुख है और त्याग में स्थाई आनंद है। तेरहवीं बात, सत्संग ईश्वर कृपा से मिलता है, परंतु कुसंग में पड़ना तुम्हारे हाथ में है। चौदहवीं बात, लोभ और ममता पाप के माता पिता हैं और लोभ पाप का बाप है। पंद्रहवीं बात, स्त्री का धर्म है रोज तुलसी एवं पार्वती का पूजन करे। सोलहवीं बात, मन एवं बुद्धि पर विश्वास मत करो, ये बार बार दगा देते हैं। अपने को निर्दोष मानना बड़ा दोष है। सत्रहवीं बात, पति पत्नी पवित्र जीवन बिताएं तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। और अठारहवीं बात,
भगवान इन सब कसौटियों पर कसकर ही, जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।